नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, लेकिन इस बैठक से उद्धव गुट ने किनारा कर रखा था। बता दें कि अब इस चीज को लेकर के संजय राउत का बयान सामने आ चुका है। उनका कहना है कि वीर सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस बात को लेकर के उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है और साथ ही राहुल गांधी से भी वो बात करेंगे। इसी के साथ ही कहा यह जा रहा है कि अब राहुल गांधी वीर सावरकर का नाम लेने या फिर उनके अपमान करने से बच सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि जो उद्धव गुट कभी कांग्रेस की सबसे करीबी मानी जाती थी और सबसे सहयोगी दलों में से एक थी, तो वो उद्धव गुट अब धीरे धीरे कांग्रेस से किनारा बनाते हुए नजर आ रही है और जिसकी वजह से ये बातें कही जा रही है कि अब शायद राहुल गांधी वीर सावरकर को लेकर के बयान देने से बचते हुए दिखाई दे सकते हैं। बता दें कि संजय राउत ने कहा कि वीर सावरकर को लेकर के उन्हें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, वो एक स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी नेता थे और उनको लेकर हमारे दिल में सम्मान की भावना है। कहा कि खड़गे साहब ने जो बैठक बुलाई थी उसमें हम नहीं जा सके, आज भी विपक्ष की बैठक बुलाई गई, हम वहां भी नहीं जा सके। बता दें कि संजय राउत ने यह भी कहा कि हमने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है और हम राहुल गांधी से भी बात करेंगे और उन्हें वीर सावरकर पर टिप्पणी करने से बचने की सलाह देंगे। आपको सुनवाते हैं कि आखिर संजय राउत ने क्या कहा। डेफिनेटली ये सिर्फ माननीय उद्धव ठाकरे जी का सवाल नहीं है, महाराष्ट्र की पूरी जनता का ये सवाल है कि वीर सावरकर एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी थे, फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। वीर सावरकर के बारे में हमेशा हमारे दिल में एक श्रद्धा की भावना रही है, तो बार बार उनका इस प्रकार से उल्लेख करना कि माफी मांगी ये गलत है। और इसलिए हम जो बैठक बुलाई थी खड़गे साहब ने, हम नहीं जा सके, क्योंकि हमारी एक भावना थी। आज भी जो बैठक है विपक्ष की, हम वहाँ भी नहीं पहुँचे हैं और डेफिनेटली हम ये मानते हैं कि वीर सावरकर जी का अपमान नहीं होना चाहिए। अब इस मामले को लेकर के काफी ज्यादा संभावनाएं ये जताई जा रही है कि संजय राउत ने जो बात कही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से वीर सावरकर को लेकर के बातें कह दी गई है कि उन पर टिप्पणी ना करें, उनको लेकर के आपत्तिजनक बातें ना करें, उनका बार बार किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी सभा में अपमान ना किया जाए, तो इसको लेकर के अब कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ उद्धव ठाकरे भी बात कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से। वहीं इस मामले को लेकर के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ट्वीट कर लिखते हैं, डरो मत का नारा देने वाले राहुल गांधी क्या पहले ही झटके में डर गए? शिवसेना के गुस्से के बाद अब सावरकर मसले पर खामोश रहेंगे राहुल गांधी? कोई कितना भी पूछे वे सावरकर पर जुबान नहीं खोलेंगे। क्या ये सावरकर की विरासत की जीत है, उन सावरकर की जिन्हें खुद राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने देशभक्ति की प्रेरणा करार दिया था। आपको बता दें कि सांसदी सदस्यता रद्द होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह कहा था कि वे माफी नहीं मांग सकते क्योंकि उनका नाम गांधी है, सावरकर नहीं। अब उनके बयान को लेकर के राजनीति काफी ज्यादा तेज हो गई है। बता दें कि सावरकर वाले बयान को लेकर के उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने राहुल गांधी को चेतावनी तक दे डाली और ये भी कहा कि उनका अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इधर देखने को मिला कि कल जहां मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर डिनर का प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें कि समान विचारधारा वाले विपक्षी नेताओं को खड़गे ने इनवाइट किया था, तो इससे शिवसेना यानी कि उद्धव गुट ने दूरी बना रखी थी। तो वहीं एक बार फिर से आज सुबह कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैंबर पर एक बार फिर से विपक्षी दलों को इनवाइट किया गया था और इस बैठक से भी उद्धव गुट के नेताओं ने दूरी बना रखी थी। बता दें कि राहुल गांधी के बयान को लेकर के महाराष्ट्र के भाजपा सांसदों ने विरोध प्रदर्शन तक कल किया था। वहीं सांसदों ने सावरकर के अपमान पर संसद में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने भी रविवार यानी कि 26 मार्च को एक रैली को संबोधित करते हुए उनकी पार्टी पर भले ही कांग्रेस के साथ गठबंधन है, लेकिन सावरकर के खिलाफ किसी भी गलत बयानबाजी को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठाकरे ने स्वतंत्रता सेनानी का अपमान बर्दाश्त नहीं है ऐसा कहा था।
बता दें कि उद्धव ठाकरे की चेतावनी के बाद उद्धव गुट ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होने वाले बैठक से किनारा कर रखा था और इसके बाद से ही लगातार ये राजनीति तेज है कि क्या कांग्रेस पार्टी से जो उद्धव गुट है वो लगातार दूरी बना रहा है, क्योंकि उन्होंने वीर सावरकर का एक बार नहीं बल्कि कई बार अपमान किया है और इसी की वजह से ये दूरियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी ये जहां खबर आई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम विपक्षी दलों को इनवाइट किया है सोमवार को अपने यहां आवास पर डिनर के लिए, तो इस बात को लेकर के संजय राउत ने पहले ही अपना फैसला सुना दिया था कि आखिर उद्धव गुट का फैसला क्या है, और उन्होंने साफ इनकार करते हुए ये कहा था कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर नहीं जाने वाले हैं, के द्वारा जो विपक्षियों की बैठक बुलाई गई है उसमें वो शामिल नहीं होंगे और ना ही कोई उद्धव गुट नेता शामिल होगा। बता दें कि इससे पहले भी संजय राउत ने कहा था कि राहुल गांधी का बयान बिल्कुल गलत है, वो गांधी हैं लेकिन सावरकर का नाम घसीटने की जरूरत क्या है, सावरकर हमारी प्रेरणा है, हमारी लड़ाई के पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे राहुल गांधी से मिलते हैं तो इसको लेकर के वे जरूर सवाल करेंगे। आपको बता दें दरअसल राहुल गांधी के सारे चोर मोदी हैं वाले बयान के बाद से ही सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई और इस सजा के आधार पर लोकसभा ने उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया है। इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस 27 मार्च को देश भर में प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस ने संसद में काले कपड़े पहने थे और प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं युवा कांग्रेस ने भी जंतर मंतर पर खूब प्रदर्शन किया। बता दें कि इस घटना को लेकर के और आगे की रणनीति बनाने के लिए ही राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 मार्च की रात दिल्ली स्थित अपने आवास पर एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक के लिए समान विचारधारा वाले सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित भी किया गया था, लेकिन इसमें उद्धव गुट ने पूरी तरीके से दूरी बना रखी थी और इस बैठक में शामिल होने से ही इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी को तो अब नोटिस भी इशू कर दिया गया है ताकि वो जल्द से जल्द बंगला खाली कर दे। अब इस चीज को लेकर के भी सियासत गर्म हो गई है और लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी से पहले तो उनकी सदस्यता छीन ली गई, अब उनका बंगला भी छीना जा रहा है, आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की है। आपको बता दें जहां लगातार कांग्रेस सभी विपक्षी दलों को इस समय एकजुट करने की कोशिश कर रही है और ये सोच रही है कि राहुल गांधी के वजह से तमाम विपक्षी एक साथ आएंगे और एक साथ मिलकर के कहीं ना कहीं 2024 की रणनीति की तैयारी की जा रही है, लेकिन उद्धव गुट लगातार इससे दूरी बनाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वजह है वीर सावरकर का अपमान। उन्होंने सीधे लफ्जों में कहा है और राहुल गांधी को हिदायत दी है कि वो वीर सावरकर का बार बार अपमान ना करें और कहा यह भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो राहुल गांधी से इस मामले को लेकर के बात करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और इसको लेकर के हिदायत चेतावनी तक देंगे। तो वहीं दूसरी ओर सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि अब राहुल गांधी किसी भी सम्मेलन आयोजन में वीर सावरकर का अपमान करने या फिर उनके नाम लेने से बचते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में भी इस वक्त वीर सावरकर को लेकर के राजनीति काफी ज्यादा तेज हो गई है, जहां उद्धव ठाकरे लगातार राहुल गांधी को हिदायत देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं राज्य में सीएम एकनाथ शिंदे और इसी के साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह फैसला किया है कि वीर सावरकर गौरव यात्रा महाराष्ट्र में निकाली जाएगी ताकि वीर सावरकर के किए गए योगदान को लेकर के हर नागरिक को राज्य में बताया जाए कि आखिर वीर सावरकर कौन थे और उनका इस देश के लिए क्या योगदान रहा है। साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने यह कहा था कि राहुल गांधी को शायद ये पता नहीं है कि वीर सावरकर कौन है और उन्होंने इस देश के लिए क्या किया है, जिसकी वजह से राहुल गांधी इस तरीके से बार बार उनका अपमान करते हैं, उनकी बात करते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।